नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज पेट बीपीएससी कार्यालय के बाहर, यानी यूं कहिए बीपीएससी मेंबर अरुण कुमार की पत्नी से चैन स्नैचिंग होती है, जिसके बाद पुलिस के नाक में दम होती है। पुलिस छापेमारी करती है, छापेमारी करने के बाद एक बड़ा खुलासा होता है। बताया जा रहा है कि बीपीएससी मेंबर अरुण कुमार की पत्नी से जो चैन स्नैचिंग हुआ था, वह गाड़ी भाड़ा पर लेकर घटना को अंजाम देता था, यानी किराए पर बाइक लिया जाता था और उस घटना को अंजाम दिया जाता था और बाइक को फिर उसी जगह लगा दिया जाता था, जिसके बाद पुलिस को परेशानी हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी की और जो बाइक ले गया था उसकी निशानदेही पर ताबड़तोड़ छापेमारी करने के बाद पुलिस ने एक बाइक को भी बरामद किया, जिससे घटना को अंजाम दिया गया था। और वहीं सातिर को भी पुलिस ने धर दबोचा है। देखिए तस्वीर। 20 अगस्त को सुबह 6:30 बजे शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास दो अपराधियों द्वारा होंडा शाइन बाइक का यूज़ करते हुए बीपीएससी मेंबर श्री अरुण कुमार भगत की वाइफ सरिता भगत के गले से चैन छीन ली गई थी। उसी के बीच हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन करते हुए टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से टीम लगाई इसके पीछे, और इसी का रिजल्ट है कि 5 दिन के बाद हम आपके सामने हैं अपराधियों के साथ। और जो चैन इस केस में लूटी गई थी वो चैन भी बरामद की गई है, और जो होंडा शाइन बाइक यूज़ हुई थी वो होंडा शाइन बाइक भी हम लोगों ने बरामद करी है। इस केस में जो दो लोग मेनली प्रयुक्त थे वो थे रोहित कुमार उर्फ अलुआ, पिता विनोद राम, ये सालिमपुर आहरा के रहने वाले हैं, और इनके साथ बाइक पे पीछे बैठे थे गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू पगला, पिता पप्पू प्रसाद, ये भी प्राइमरली सालिमपुर आरा के ही रहने वाले हैं। इन लोगों ने अपने दोस्त मुकेश कुमार, पिता भजन राम जो कि सालिमपुर आरा के ही रहने वाले हैं, उनसे 20,000 रुपये देकर बाइक यूज़ किया और उससे लूट को अंजाम दिया। उसके बाद अपने मित्र सोनू उर्फ मुर्तजा और राजू कुमार के थ्रू इन्होंने इस चैन को बेचने का प्रयास किया था, और उन्हीं के पास से हम लोगों ने फिर चैन को बरामद किया। इसमें उल्लेखनीय यह है कि रोहित पहले भी चैन स्नैचिंग के कई कांडों में जेल जा चुके हैं। ये दो गांधी मैदान के केस और दो बुद्धा कॉलोनी के चैन स्नैचिंग के कांडों में ही जेल जा चुके हैं। गुड्डू कुमार और गुड्डू पगला कदम कुआं के मोबाइल स्नैचिंग केस में जेल जा चुके हैं, और गांधी मैदान के एक चैन स्नैचिंग केस में वॉन्टेड है, जिसमें इनको रिमांड किया जाएगा। सोनू उर्फ मुर्तजा, जिसके थ्रू ये चैन बेची गई थी, वो भी गांधी मैदान में चोरी की बाइक के साथ पहले जेल जा चुके हैं, और उस समय एक डीमैट अकाउंट की फर्जीवाड़े के उसमें जांच में भी इनका नाम आया था, पर केस में आगे ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया था। इस तरीके से कुल 5 लोग इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, जो पहले से चैन स्नैचिंग कांडों में संलिप्त रहे हैं, और इन लोगों का जो हाल ही में जो चैन स्नैचिंग कांड हुए हैं उनमें इनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है।